मैं कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूं, मेरा पर्सनल अनुभव बहुत है। लाखों जीवों के घरों में हमारा रहना आना जाना सब हुआ, अरबपतियों के यहां भी और गरीबों के यहां भी, सब के सब क्लास के लोगों के यहां गए, गवर्नरों के यहां रहे और एक चपरासी के यहां भी घर पर भी रहे, सबकी रिपोर्ट हमारे पास है। क्योंकि हमसे तो रिपोर्ट अपने सही सही देते हैं लोग ना, इस आशा में कि शायद ये कुछ ऊपर वाले की पावर वावर पाए हो तो कुछ हमारा भी साथ बैठ जाए, इसलिए अपना कच्चा चिट्ठा सब रख देते हैं बेचारे अपने अंदर की बात। वरना तो आप लोगों से वो बात करते हैं तो फिर कहाँ बताएंगे वो असली बात, तो कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने कमाल किया वो कमाल किया। तो हमारे संसार में बड़ी सीधी सी बात समझने की जो है वो ये है कि संपूर्ण संसार में अच्छे शब्द से युक्त कोई भी व्यक्ति हो वो उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं है। तो फिर कोई अच्छा आदमी बुरों से आशा करे कि हमको अच्छा कहेंगे, वो पागल है कि अच्छा है, समझदार है कि वो घोर मूर्ख पागल है, क्या है? कैसे कोई मूर्ख किसी अच्छे को अच्छा कहेगा? अंधा कैसे देखेगा? दूरदास कोई अटक के गिर पड़ा, किसी ने कहा है भाई तुम कैसे गिर पड़े? अरे भैया मैं अंधा हूं। बेवकूफ हो तुम, अंधे हो के गिर पड़े, ऐसा कोई कहेगा भला? भाई अंधे है हम, हम क्या करें, अंधे हैं इसलिए गिर पड़े अटक करके, कोई आश्चर्य नहीं होगा किसी को भी। अच्छा अच्छा तुम अंधे हो। इसी प्रकार कोई अज्ञानी है, वो भगवान को नहीं जानता, महापुरुष क्या बला है नहीं जानता, गाली देता है। आप ही के घर में है मान लो, आप कहते वो गाली क्यों देता है भगवान को, वो महात्मा को क्यों निंदा करते हैं? तो सोचता अरे उन्हें जानता इसलिए करता है, इसमें क्या अंधेर हो गई, क्या आश्चर्य हो गया, तुम्हें क्या परेशानी है इसमें? तो वो तो हमको दुख होता है। क्यों दुख होता है? तुमको समझना चाहिए ना कि अच्छा कहने वाले ही नहीं गिने, तुम महापुरुष को अच्छा कहते हो? हाँ मैं तो अच्छा कहते नहीं, मानता भी हूँ, ये आश्चर्य। तुम महापुरुष को महापुरुष मानकर चल रहे हो, ये आश्चर्य है, बड़ी भगवत कृपा, बड़ी विलक्षण बात है ये आश्चर्यजनक बात है। और वो बुराई कर रहा है, ये कौन आश्चर्यजनक बात है? तो नेचुरल है, तो होना ही चाहिए। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस ईश्वरीय मार्ग के सरोवर के निकट, यानी ईश्वरीय सरोवर में ही प्रेमानंद है, यही प्यास बुझेगी, यह समझकर इस ओर आना, ये तो बड़ी स्पेशल भगवत कृपा, गुरु कृपा, संस्कार सब इकट्ठे हो, हिसाब बैठे तो कुछ काम बने। वरना एक तेज चल रहा है उसी घर में, दूसरा धीरे चल रहा है, तीसरा देख कर ठीक है मेरे मम्मी डेडी लगे हैं भगवान बाबा जी के पीछे, अपन तो अभी उम्र थोड़ी है, अभी अपनी उम्र थोड़ी है, अभी तो अपन को ये करना है, वो करना है, वो करना है, जब समय आएगा तो अपन भी कर लेंगे। अब युवावस्था में कोई ईश्वर की ओर चला, कितना बड़ा आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य। कोई लड़का हो लड़की हो, अगर 18 से 25 साल की उम्र के बीच में ईश्वर का एक नाम ले लेता है, गजब हो। प्रहलाद कहते हैं इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। और जब दुनिया से वो बेकार हो गया, रिटायर हो गया, बुढ़ापा आ गया, रूप गया, पोस्ट गई, प्रतिष्ठा गई, और फिर राम राम करता है तो और करोगे क्या? तुम्हें कोई पूछता नहीं तो और क्या करोगे? तो मजबूरी अभी चलते हैं ईश्वर की ओर, उसमें कौन सा आश्चर्य है? लेकिन जब तुम्हारे पास अहंकार का रोग है, उस रोग के रहते हुए तुम ईश्वर की ओर चले, ये छप्पर फाड़ कृपा है भगवान की।